हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर दविंदर कौर। आज चैप्टर हीट लेकर आई हूँ आपके लिए। हीट एक्चुअली होता क्या है? हीट का मतलब हम लोग नॉर्मली लगा लेते हैं गर्म, जो चीज़ हमें गर्म लगे दैट इज हीट। तो हीट को ही हम इलैबोरेट करेंगे, देखेंगे हीट को कैसे कैसे और तरह से हम रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वट विल वी लर्न, क्या करेंगे हम इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हीट से रिलेटेड। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हीट एंड टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर, उसके यूनिट्स और थर्मामीटर्स। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप इन तीन क्वेश्चन का जवाब इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डू वी यूज कॉपर बॉटम ऑन यूटेंसिल्स, बर्तनों के नीचे कॉपर क्यों लगा होता है? क्वेश्चन नंबर टू, कैन वी यूज लैब थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, क्या हम लैब वाले थर्मामीटर को यूज कर सकते हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए? क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन यू हीट द एयर फिल बैलून इट बर्स्ट, क्या होगा जब आप हवा से भरा गुब्बारे को हीट करोगे और वो फट जाएगा? तो इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको हीट चैप्टर पूरा समझना होगा। लेट्स स्टार्ट। हीट इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन इन सॉलिड्स। देखिए, सॉलिड, जो भी चीज़ सॉलिड होती है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोई भी सॉलिड चीज़ हो, जब हम उसको हीट करते हैं ना, आपको पता होगा कि सॉलिड लिक्विड गैसेस की जो प्रॉपर्टी होती है, वो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जो जब हम उसको हीट करते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स ना धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ से आई है कि हीट इंक्रीजेज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हीट जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, वो उस चीज़ के, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स में मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। एज वी प्रोवाइड हीट टू सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेट एनर्जी एंड देन दे स्टार्ट मूविंग। जैसे जैसे हम सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं, तो पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं ना, वो हिलना शुरू हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। द सेम वे हीट इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड में तो करता ही करता है, वो इंक्रीज कर देता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स गैसेस में भी और लिक्विड्स में भी। तो हर जगह, हर किसी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस से बना हुआ है ऑब्जेक्ट, उसमें अगर हीट आप डालो करना शुरू करोगे, उसको आप हीट करना शुरू करोगे, तो वो जो है उसके अंदर के पार्टिकल्स का, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का हीट हो, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा हीट होने की वजह से। सो इन सब चीज़ों से हमने ये तीन इफेक्ट्स हीटिंग के देखे। पहला इफेक्ट है एक्सपेंशन। जब हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो फैलना शुरू हो जाता है, ठीक। और दूसरा है फेस चेंज हो जाता है, मींस सॉलिड होगा, अगर आइस है, आइस सॉलिड होती है, उसको मैं गर्म करना शुरू करूंगी तो वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर पानी को मैं गर्म करना शुरू करूंगी तो वो धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो उस पूरी स्टेटमेंट को हमने लिखा है फेस चेंज। थर्ड जो इफेक्ट है हीटिंग का, वो है हॉटनेस या कोल्डनेस और टेम्परेचर, या वो हॉट से कोल्ड में चली जाएगी और फिर उसका हम टेम्परेचर देखेंगे। तो ये तीन मेन इफेक्ट्स हैं हीटिंग के। हीट करने से हमें ये तीन इफेक्ट्स मिलेगा, या वो चीज़ फैलेगी और सॉलिड होगी तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड होगी तो गैसेस में चली जाएगी, फिर उसका हम टेम्परेचर नापेंगे कि वो हॉट है, कोल्ड है, किस तरह का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय थ्री मेथड्स। तीन मेथड से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन होता क्या है? जब हम
पहले तो यही है कि कंडक्शन जो है हीट ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ठीक, कंडक्शन का मतलब होता है द फ्लो ऑफ हीट थ्रू सॉलिड। किसी एक सॉलिड चीज में उस हीट को फ्लो कराना। ठीक, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन अ पैन इज प्लेस्ड ओवर अ बर्नर। मैंने एक पैन रखा गैस के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर जो खाना है, गैस ऑन कर दिया, उसके अंदर जो खाना है वो गर्म हो गया। क्यों? दिस इज बिकॉज हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम द बर्नर, बर्नर से वो हीट ट्रांसफर हुई पैन में, फिर पैन से वो हीट कहाँ ट्रांसफर हुई, खाने में। फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड इज नोन एज कंडक्शन। तो जब धीरे धीरे चीजें गर्म होना शुरू हो जाती है तो वो जो पूरे सॉलिड में हीट फैल जाती है, वो जो पूरे ऑब्जेक्ट में हीट फैल जाती है, उसको हम कंडक्शन पर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं, सो लेट्स डू। एक्टिविटी करने के लिए हम फटाफट से मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। एक आयरन रॉड चाहिए, एक स्टैंड चाहिए और मेल्टेड वैक्स चाहिए, एक कैंडल चाहिए, कैंडल को जलाने के लिए मैचस्टिक चाहिए और कुछ कीले, आयरन नेल्स चाहिए। चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कंडक्शन की एक्टिविटी है ये। पहले स्टेप में हम स्टैंड को प्लेस कर लेंगे, दूसरे स्टेप में हम जो कीले ली थी हमने उसको मेल्टेड वैक्स में लगाएंगे, मेल्टेड वैक्स जो है कील को ऐसे ही लगाएंगे जैसे पिक्चर में दिखाया है। तीसरे स्टेप में हम उस वैक्स वाली कील को हम स्टैंड पे चिपका देंगे, जो फोर्थ स्टेप में मैंने आपको दिखाया है। सारी कीलों को हम इक्वल डिस्टेंस पे लगा देंगे। फिफ्थ स्टेप में हम कैंडल लेंगे और कैंडल को जला देंगे, उस जली हुई कैंडल को उस स्टैंड के एक कॉर्नर पर रख देंगे। सिक्स स्टेप में आप देखोगे पूरी सिचुएशन इस तरह से बन जाएगी। ठीक, सेवन स्टेप में देखो, जैसे ही वो रॉड जो होगी गर्म होना शुरू होगी, एक एक कील जो है वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और एक एक कील आप देख रहे हो स्टेप सेवन में गिरना शुरू हुई। स्टेप एट में वो हीट आगे बढ़ गई, वो रॉड और गर्म हो गई तो दो कीले और गिर गई। आफ्टर सम टाइम नाइन्थ स्टेप तक देखोगे आपकी सारी कीले जो वैक्स लगाई थी ना, वो रॉड पूरी गर्म हो गई तो नीचे गिर गई। अब आप एक चीज देखो, हॉटर टेंथ स्टेप में आप देखो कि एक जहां हमने कैंडल रखी है कॉर्नर ऑफ द रॉड, वो हॉट होना शुरू हुआ और धीरे 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 वो हॉट होते गई, पूरी रॉड हॉट हो गई जो रेड कलर से मैंने दिखाई है। तो जब ऐसा प्रोसेस चलता है कि धीरे धीरे पूरी चीज गर्म हो जाए, इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। यहां देखो कैसे हीट ट्रांसफर हुई। When a solid is heated, जब एक कॉर्नर उस रॉड का गर्म हुआ था, धीरे धीरे वो रॉड का गर्म होना शुरू हुआ, एक मॉलिक्यूल गर्म होगा एक से, फिर पार्टिकल्स वाइब्रेंट करना शुरू करेंगे, फिर वो आगे आगे वाले पार्टिकल्स को गर्म करते जाएंगे। तो इस पूरी पिक्चर में मैंने आपको हीट ट्रांसफर का डायग्राम दिखाया है कि किस तरह से एक कॉर्नर से जो कैंडल है वो धीरे धीरे पूरी रॉड तक हीट को कैसे पहुंचा देती है। तो जो धीरे धीरे ऐसे पूरे प्रोसेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। तो ये पूरी एक्टिविटी आपको समझाने के लिए थी, कंडक्शन। अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो है कन्वेक्शन। अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। जो हमारा कंडक्शन था ना वो सॉलिड्स में होता है, ठीक, जो कन्वेक्शन है ना वो हमारा लिक्विड और गैसेस में होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें भी जो हीट ट्रांसफर होती है वो पार्टिकल्स के जरिए ही होती है। वार्म पार्टिकल्स राइज, जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। कूल पार्टिकल्स फिर इन द स्पेस बिलो, और जो ठंडे वाले पार्टिकल्स होते हैं वो जो खाली जगह होती है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर वहां पर फिल हो जाते हैं। कन्वेक्शन, व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड। पिक्चर में आप देख सकते हो गैस पे मैंने एक पतीला रखा है, उस पतीले में पानी है, जब वो पानी उबलेगा तो वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो जब
When liquid and gases are heated, जब liquid और gases heat होती हैं, the heat is carried from one part to another by actual movement of hot particles. तो जो heat जो होती है, पानी गर्म नीचे जो नीचे वाला पानी होता है इस पैन के अंदर, देखो जब गैस ऑन करते हैं तो हम नीचे वाला पानी पहले गर्म होता है, फिर नीचे वाले पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं धीरे 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 ऊपर ठंडे वाले पार्टिकल्स में आना शुरू हो जाते हैं. जब वो ठंडे वाले पार्टिकल्स में आके मिक्स हो जाते हैं फिर वो पानी दोबारा नीचे जाकर गर्म होता है. इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और जिससे पानी में उबाल आना शुरू हो जाता है. दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक, इसी तरह से पानी नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर मिक्स हो जाते हैं, फिर वो नीचे वाली एक लेयर फिर गर्म हो जाती है, फिर वो पार्टिकल्स ऊपर आकर मिक्स हो जाते हैं ठंडे पार्टिकल्स में. इस तरह से पानी का जो प्रोसेस है वो गर्म होता है, उबाल आना शुरू होता है पानी में. हम पढ़ेंगे सी ब्रीज. सी ब्रीज क्या होता है? ड्यूरिंग द डे, दिन के समय ना लैंड जो होता है जल्दी, ज़मीन जो होती है ना जल्दी गर्म हो जाती है, और ज़मीन के ऊपर वाली जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, उसके पार्टिकल्स भी गर्म हो जाते हैं. तो वो गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है. अब उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा सी से, सी की जो ठंडी हवा होती है ना वो लैंड में आ जाती है. ठीक है, सी की ठंडी हवा लैंड में आकर लैंड की हवा में हो आकर मिक्स होती है, और जब ये प्रोसेस चलता है तो उसको सी ब्रीज कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे लैंड ब्रीज. जब दिन ढल जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, लैंड जो है अपनी हीट फटाफट से लूज करना शुरू कर देती है. रिजल्ट में क्या होता है कि जो समुद्र के ऊपर वाली गर्म हवा होती है, ठीक, द एयर ओवर द सी, समुद्र के ऊपर वाली हवा, गर्म हवा वो ऊपर उठती है, तो लैंड की ठंडी हवा जो होती है वो आकर समुद्र में, समुद्र की हवा में जो है अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है. कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सी. तो लैंड वाली ठंडी हवा जो है समुद्र की गर्म हवा में आके मिक्स होना शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफर हीट बाय थर्ड मेथड. उसका थर्ड मेथड था रेडिएशन. रेडिएशन कैसा होता है? रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेव्स, वो वेव्स के थ्रू काम करता है. रेडिएशन ट्रेवल थ्रू मैटर और एम्प्टी स्पेस, या तो किसी चीज़ से आएगा या खाली जगह से. जो सन की रेज होती हैं ये रेडिएशंस होती हैं. ठीक, तो रेडिएशंस को पढ़ना शुरू करते हैं. चलिए एक रेडिएशन का एग्जांपल लेते हैं. जो सर्दियों में हम रूम हीटर्स हैं वो ज़मीन पर हम क्यों रखते हैं? ज़मीन पर ही रखते हैं सब रूम हीटर्स, कोई ऊपर टांग कर नहीं चलाता रूम हीटर, है ना, जमीन पर रखते हैं. क्यों रखते हैं? इसका आंसर है एयर हीटेड बाय रूम हीटर गोज अप. जो नीचे की हवा जब गर्म हो जाती है, हीटर जब ऑन करते हैं तो नीचे की हवा जो है गर्म हो जाती है, ठंडी हवा गर्म हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है. ऊपर की ठंडी हवा फिर नीचे आ जाती है, फिर वो वाली गर्म हवा बनकर ऊपर चली जाती है. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है कि नीचे से गर्म हवा बनकर ऊपर चली जाती है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाती है, फिर वो ठंडी हवा गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर चली जाती है. तो ये जब पूरा प्रोसेस चलता रहता है तो इस प्रोसेस के दौरान हमें अपने आसपास का माहौल जो है हीटर की वजह से गर्म लगना शुरू हो जाता है. तीन ट्रांसफर ऑफ हीट के हमने मेथड करे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब उसको एक ही डायग्राम में समझो. मैंने एक पैन रखा, पानी गर्म रखने के लिए गैस ऑन करा, जो गैस की लपटें हैं, जो आग की लपटें हैं वो रेडिएशन है. ठीक,
जो अंदर पानी गर्म हो रहा है वो प्रोसेस कन्वेक्शन है, ठीक। और कंडक्शन जो धीरे धीरे वो पैन के हैंडल तक को गर्म कर देगा हो, वो कंडक्शन है। तो मैंने एक ही डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करी है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स को करने से पहले हम कंडक्ट का मीनिंग देखेंगे। कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ समथिंग, किसी चीज को ट्रांसफर करना। तो कंडक्टर्स का क्या मतलब हो गया? मटेरियल्स दैट ट्रांसफर समथिंग थ्रू देमसेल्फ, ऐसे मटेरियल्स जो कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते हैं अपने आप से। तो वो हीट भी हो सकती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स? मेटल्स, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। लेट्स हैव अ डिवाइन कंडक्टर्स। वी यूज मेटल्स टू मेक ऑब्जेक्ट That need to conduct heat well. हम चीज़ों को use करते हैं, ऐसे metals को use करते हैं जिसे हम heat कर सकें या heat ले सकें। For example, metal saucepan, जो हमारे saucepan होते हैं, बर्तन होते हैं, almost metals के होते हैं, वो अच्छी तरह से heat को conduct करते हैं, transfer करते हैं, ताकि हमारा food जो है properly पूरे pan के अंदर बन सके। Let's now the question arrives. Is metal the only material that conduct energy? क्या metal ही एक ऐसा material है जिससे energy conduct की जा सकती है? No. Water can conduct electric energy too. पानी भी electric energy को conduct कर सकता है। तो आपने सुना होगा पानी से बिजली बनती है। That is what? कि पानी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंडक्ट करता है। इट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय वाटर। व्हाट इज एन इंसुलेटर? कंडक्टर तो वो है जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है। तो अब इंसुलेटर्स क्या है? अ मटेरियल दैट डज नॉट इजिली अलाउ एनर्जी टू फ्लो, ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ नहीं करते एनर्जी को फ्लो करने के लिए। Can you think of some examples of good insulators? Yes, here are the some examples of insulators: rubber, wood and fabric. Insulators. Wood is a good example of thermal insulator as it can be used as a saucepan handle or a wooden spoon. The wood stops the heat from traveling to your hand. वुड एक बेस्ट एग्जांपल है इंसुलेटर का। क्यों? कई बार आपने देखा होगा जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं उनके हैंडल्स भी वुड के बने होते हैं, और जो स्पून्स वगैरह तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो जो वुड है वो हीट को हमारे तक आने से रोकता है। इसलिए सॉसपैन के हैंडल्स और वुडन स्पून्स हम ज़्यादातर यूज करते हैं ताकि हमें सेक ना लगे। Here are some examples of good conductors of heat and insulators, या poor conductor of heat भी आप बोल सकते हो। Good conductor of heat वो होते हैं जो conduct करते हैं heat को लेने में, और poor conductor या insulators वो होते हैं ऐसे substances that do not conduct heat, जो conduct heat को conduct नहीं करते, ठीक। तो examples are, you can read well. Temperature. What is temperature? Temperature is the measurement of hotness or coldness of an object. हम temperature किसी भी गर्म या ठंडी चीज को या ठंडे object को नापने के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं। टेम्परेचर, अ हॉट बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर देन अ कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो ज्यादा होता है कोल्ड बॉडी से। टेम्परेचर में एक चीज देखने वाली है, जब चीजें गर्म होती हैं तब टेम्परेचर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने हॉट वाटर रखा हुआ है एक साइड, और उसके आगे जो सर्कल बना है उसमें टेम्परेचर ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। उसी तरफ जहां बर्फ बर्फ पड़ी है, जहां पर आइस पड़ी है, वहां का टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो गया है, वहां पर टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया है। तो गर्म जगह पर टेम्परेचर
ऊपर जाता है और ठंडी जगह पर टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाता है। लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट का पहले देखते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, हीट एनर्जी रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। हीट इज मेजर्ड इन जूल्स। तो हीट को मेजर जब भी करते हैं, हम नापते हैं, वो जूल्स में नापते हैं। लेट्स कम टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर का फर्स्ट पॉइंट है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हीट एनर्जी लेवल। टेम्परेचर हम यूज करते हैं हीट का एनर्जी लेवल नापने के लिए। टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि फ्लो ऑफ हीट मीन्स हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है। हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट जो है फ्लो करती है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं या फिर केल्विन में नापते हैं। लेट्स टेम्परेचर स्केल्स। तीन तरह के टेम्परेचर स्केल्स हैं हमारे पास, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, थर्ड वन इज केल्विन। कॉमनली हम यूज करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए सेल्सियस स्केल। क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर हमेशा मेजर करा जाता है एक डिवाइस से जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 95 फ़ारेनहाइट टू 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर हमेशा फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। मैंने नीचे थर्मामीटर की पिक्चर लगाई है, उसमें एक बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर मरकरी होती है और जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उस ग्लास ट्यूब के अंदर वो मरकरी फैलना शुरू हो जाती है। रीडिंग टेम्परेचर फ्रॉम क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि क्लिनिक डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं तो वो जब भी थर्मामीटर यूज़ करना होता है वो हमेशा किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करने से पहले थर्मामीटर को उससे साफ करते हैं। इंश्योर द मर्करी लेवल इज बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो हमेशा इंश्योर करना कर लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए कि उसका जो मर्करी का लेवल है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होना चाहिए। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं अपने सॉल्यूशन में से थर्मामीटर को निकाल के ज़ोर से झटकते हैं ताकि अगर उसका टेम्परेचर अगर नीचे नहीं है, मर्करी का लेवल अगर नीचे नहीं है तो वो नीचे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए। मर्करी का लेवल जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाए। टेम्परेचर को रीड करने के लिए थर्मामीटर पर हमेशा थर्मामीटर को हवा में ऐसे रख के, ठीक हवा में पकड़ हाथ से पकड़ के, और उसका मर्करी का लेवल चेक करना चाहिए कि मर्करी का लेवल कहाँ आकर रुकता है। जहाँ पर मर्करी का लेवल आकर रुकेगा दैट इज़ योर एग्जैक्ट टेम्परेचर। अब हम जानेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन अ साइंस लेबोरेटरी। जो साइंस की लैब्स में टेम्परेचर नापने के काम आता है थर्मामीटर, उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। साइंस लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर यूज होता है उसे लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो रीड करते हैं उसका टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस में हम रीड करते हैं। उसका सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है उसका 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि आप थर्मामीटर में देख सकते हैं। लेबोरेटरी में थर्मामीटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे बीकर में पानी या कोई भी सॉल्यूशन डाल के, जो भी उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है उसको सॉल्यूशन को डाल के, वेदर टू बर्न और नॉट टू बर्न, चाहे उसको बर्नर के नीचे रखना पड़े या नीचे ना रखें, तो वो उस बीकर में
थर्मामीटर डाल के क्लीन लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप करके उसका टेम्परेचर इस तरह से नापते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर से, लैब्स के अंदर जो टेम्परेचर रीड किया जाता है। चलिए यहाँ करते हैं डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। फर्स्ट पॉइंट है साइज। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो साइज होता है वो मच लार्जर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का साइज जो होता है छोटा होता है। सेकंड पॉइंट टेम्परेचर रेंज। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और क्लिनिकल थर्मामीटर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। थर्ड पॉइंट पोजीशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग। तो इनकी पोजीशन किस तरह से रखी जाए। लेबोरेटरी थर्मामीटर का बल्ब जो होता है रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस और बॉडी जब तक उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता टेम्परेचर नापने के लिए, वो उस सॉल्यूशन के अंदर ही थर्मामीटर को रखते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं टेम्परेचर को देखने के लिए। फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन ऑफ द बॉडी। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो डिज़ाइन होता है सिंपल सिलेंड्रिकल होता है, मैंने पीछे आपको पिक्चर में दिखाया भी था। और क्लिनिकल थर्मामीटर का जो डिज़ाइन होता है उसमें जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट टू मर्करी कॉलम ओनली एट अ सर्टेन एंगल, तो उसको मैग्नीफाइंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है मर्करी का कॉलम जहाँ पर हमें एक्सपैंड होता हुआ नजर आ जाए। फिफ्थ पॉइंट है डिज़ाइन ऑफ कैपिलरी। स्ट्रेट कैपिलरी है उसकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की, और क्लिनिकल थर्मामीटर में जो कैपिलरी है वो किंक के साथ आती है। मैं आपको चैप्टर रीडिंग कराते समय बताया था कि किंक जो है वो थोड़ा सा कर्व लाइन होती है मर्करी को ऊपर उठने के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर का और क्लिनिकल थर्मामीटर का। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन इन दोनों चीज़ों में, दोनों थर्मामीटर्स में क्या सिमिलर चीज़ है, सेम चीज़ क्या है। एक तो ये कि थर्मोमेट्रिक लिक्विड है, इनके दोनों के अंदर एक लिक्विड है वो मर्करी है, और दोनों का ही टेम्परेचर जो है सेल्सियस में नापा जाता है। चाहे डिग्रीज उनकी अलग अलग है लेकिन नापा उनको सेल्सियस में जाता है, और दोनों के अंदर जो लिक्विड डला हुआ है, दोनों थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड यूज हुआ है वो मर्करी है। तो ये दो चीज़ें जो हैं दोनों थर्मामीटर्स के अंदर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर, मर्करी और सेल्सियस दो सिमिलैरिटीज हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड हेयर चैप्टर हीट। होप कि जितना मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझ पाए विद द डायग्राम्स। अब देखते हैं हमने इस पूरे चैप्टर में समरी देख लेते हैं क्या की है। यू फील कोल्ड वार्म एंड हीट। आप ठंडा भी फील करते हैं, वार्म भी फील करते हैं और हॉट भी फील करते हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हमेशा जो हीट है वो गर्म से ठंडे में जाता है, ठीक फ्लो करता है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट। हीट को नापने का एक जरिया टेम्परेचर है। अ बॉडी, अ हॉट बॉडी इज एट हाइयर टेम्परेचर देन अ कूल बॉडी। जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कूल बॉडी से। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हीट इन अ बॉडी। थर्मामीटर हम यूज करते हैं टेम्परेचर को रीड करने के लिए, हमारी बॉडी की हीट का टेम्परेचर रीड करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रीड करने के काम आता है, और इसका जो रेंज है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 107.6 फ़ारेनहाइट तक है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका जो रेंज है वो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र को। यहाँ तो चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे बुक के इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स प्लस बुक बैक एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम यही करेंगे। सो यहाँ से आपके लेसन फॉर हीट इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। पहले पेज 44 का इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, देन उसका आंसर है,
देन पेज 48 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर उनके आंसर्स हैं, देन पेज 52 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, देन उसके आंसर्स हैं, और एट द लास्ट देन पेज 54 के इन टेक्स्ट आएंगे और उनके आंसर्स हैं। 54 पेज तक के बाद आपके पास आएगी बुक बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। हाँ जी, यहाँ से आपका लेसन फोर हीट का बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसमें ए पार्ट है वेरी शॉर्ट, बी पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सी पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और डी पार्ट है टिक द करेक्ट ऑड वन आउट, ई पार्ट है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग, और लास्ट में आएंगे हॉट क्वेश्चन आंसर। मैंने सबके पहले क्वेश्चंस लगाए हैं एंड देन आंसर्स लगाए हैं। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप राइटिंग। Till then, take care from your teacher, Davinder Kaur.